तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आर क्रॉस पी हमने कर लिया, और दूसरा तरीका जो मैंने एक शॉर्टकट से बनाया था, एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। तो एल इंटू आई ओमेगा मैंने कैसे बना के दिया था, मैंने कहा था कि जैसे लीनियर मोशन में होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यहाँ पर पी की जगह एल, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। भाई कोई मानेगा थोड़ी ना। तो इसको एक्चुअल तरीके से अगर करना है तो बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं विद ओमेगा, और इसमें एम वन एम टू एम थ्री का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री विद वेलोसिटी ऑफ वी वन वी टू वी थ्री। तो लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल का कितना है, पी वन एम वन वी वन, और वी वन क्या है, आर वन ओमेगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर वन इंटू पी आर पी। तो पी वन की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करके एल वन आ गया। सिमिलरली एल टू, सिमिलरली एल ऑफ एन ऐड करोगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरी बॉडी का इसमें से कॉमन आ गया ओमेगा, और ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आता नहीं है बट फिर भी चलो मैंने बता दिया कि कैसे करना है, क्लियर है यहाँ तक। वैसे पूछता नहीं है कोई इसको कैसे करना है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट।